नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। बिहार में कोरोना का संक्रमण इतना तेजी से आगे फैल रहा है कि लोग अब डरे हुए हैं। लोगों के अंदर इस बात की घबराहट है कि कहीं वो कोरोना से संक्रमित ना हो जाए, कहीं उनके अंदर कोरोना के लक्षण ना आ जाए और वो कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए। हालांकि इसको लेकर पैनिक वाला जो सिचुएशन है वो बना है और लोग कन्फ्यूज्ड भी हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पटना में कोरोना संक्रमण का केस लगातार सामने आ रहा है, कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है और कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। अब फोन पर आप वो सारी जानकारी ले पाएंगे कि आपको कहाँ इलाज करवाना है, कहाँ जांच करवाना है। सिर्फ एक कॉल पर आपको वो सारी बातें पता चल जाएंगी। आपको वो सारा डिटेल्स बताते हैं कि आखिर वो नंबर कौन सा है जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोरोना के लक्षण हैं, आपको लगता है कि आपको जांच कराना चाहिए, तो आप बस एक कॉल कीजिए। उस कॉल पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके साथ कंट्रोल रूम भी बनाया गया है विकास भवन में। ये सब सिर्फ आपके लिए किया गया है और आप इसमें आगे आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोरोना के लक्षण हैं, आपको जांच करवानी है, तो बेझिझक होकर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स जो है कि कैसे आप किस नंबर पर कॉल कीजिएगा, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपको मिलेगा। जिला प्रशासन ने विकास भवन में कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया है। सोमवार से यह पूरी तरीके से काम करने लगेगा। आम लोग सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कंट्रोल रूम के नंबर 0612221900 इस नंबर पर फोन कर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। ये नंबर जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है, जिस पर आप सभी डिटेल्स पा सकते हैं। इसके अलावा 24 घंटे सिविल सर्जन कार्यालय के कंट्रोल रूम के नंबर 0612224964। डीएम कुमार रवि ने दोनों कंट्रोल रूम में आम लोगों के द्वारा मदद और सलाह लेने के लिए किए जाने वाले फ़ोन की पूरी जानकारी संधारित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इसमें कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे संबंधित मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले आप कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर जांच कहाँ होगी, ये सवाल पूछ सकते हैं। होम क्वारंटाइन मरीजों को डॉक्टर की सलाह मिलेगी। कोविड केयर सेंटर में खाली बेड की जानकारी भी आप एक फ़ोन कॉल पर ही ले सकते हैं। बेड आइसोलेशन सेंटर के संबंध में भी आपको जानकारी मिलेगी कि आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होना है तो कितने पैसे लगेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। किस अस्पताल में बेड खाली है और एम्बुलेंस की जानकारी भी आप ले पाएंगे। कोविड केयर सेंटर से संबंधित शिकायत दर्ज कराने की सुविधा, यानी कि अगर आप कोविड केयर सेंटर में अगर आपका कोई संबंधी है और वहाँ से उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप फ़ोन कॉल पर ये सारी जानकारियाँ दे सकते हैं और इसके साथ ये सवाल भी कर सकते हैं आखिर वहाँ पर ये व्यवस्था क्यों है। इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए, सारी आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इसके साथ ही जिला कोविड कंट्रोल रूम के वरीय नोडल पदाधिकारी सह अपर समहर्ता विभागीय जांच अरुण कुमार झा ने कहा है कि कोविड केयर सेंटर में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। जिनको मदद की जरूरत होगी उनको संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल मदद पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना जांच के लिए पटना में 5 मोबाइल टीमें गठित की गई हैं। सिविल सर्जन कार्यालय ने ये टीमें गठित की है। मोबाइल टीम शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर रैपिड एंटीजन किट से जांच कर रही है। जिला नोडल ऑफिसर डॉक्टर SP विनायक ने बताया है कि मोबाइल टीम खासकर कंटेनमेंट जोन में जा रही है और वहां के लोगों की जांच कर रही है। तो ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जो जिला प्रशासन की तरफ से लागू कर दी गई है और दिशा निर्देश भी दिया गया है कि एक एक आदमी जिसको लगता है कि उनमें कोरोना के लक्षण हैं या फिर वो संकटग्रस्त हैं, ऐसे में उनकी हेल्प की जाएगी और जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वहां पर मोबाइल टीम हर दिन जाकर जायजा लेगी। लोग अगर लोग उनको मिलते हैं जो लोग कोरोना के लक्षण जिनमें पाए जाते हैं, अगर वो कहते हैं कि उनकी जांच की जानी चाहिए तो जांच भी होगा। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि अब ऑन डिमांड पर भी जांच की जाएगी, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी जांच होनी चाहिए तो आपकी जांच सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि लगातार सरकार की फजीहत हुई, विपक्ष भी ये सवाल करता नजर आया था कि आखिर सरकार जांच की संख्या को बढ़ा क्यों नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच एक ऐसा उपाय है जिससे ये पता चल पाएगा
कि एक्चुअल में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो क्या होगी। ऐसे में अब इसको लेकर जिला प्रशासन भी लगातार नए नए महत्वपूर्ण फैसले ले रहा है, और इसी बीच ये फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है जिस पर आप कॉल कीजिए और सभी जानकारी आपको मिलेगी। एक बार फिर से मैं आपको फ़ोन नंबर बता देती हूँ, ये फ़ोन नंबर है 0612221909 और एक और फ़ोन नंबर है 0612224964। तो ये दो फ़ोन नंबर है जिस पर आप कॉल करके आसानी से आप अपने सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।